नमस्कार, जनाब उद्धव ठाकरे, तुम्ही ही निवडणूक जिंकलात खरे, पण वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांच्या विचाराने प्रेरित झालेला सच्चा शिवसैनिक मात्र हरलाय. कारण तुम्हाला हिंदूंनी नाही तर मुसलमानांनी जिंकवलंय. तेही असे मुसलमान जे हिंदू द्वेषी आहेत. दुर्दैव या गोष्टीचं आहे की या मुसलमानांच्या मनामध्ये हिंदूंबद्दल द्वेष पसरवायचं काम हे वंदनीय बाळासाहेब ठाकरांच्या कुपुत्राने त्या ठिकाणी घेतलंय. हा द्वेष हिंदूत्वाचे हक्क हिसकावणार आहेत या भीतीचा होता. हा द्वेष संविधान बदलून तुमचे हाल होणार आहेत या खोट्या संदेश पसरवणारा होता. आणि म्हणूनच उद्धव ठाकरे उर्फ उस्मान चाटरे तुमच्या निवडणुकीत उधळलेल्या गुलालाचा रंग भगवा नव्हता, तो हिरवा होता आणि त्याला द्वेषाचा वास सुद्धा येत होता. महाराष्ट्राची जनता तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही, वर बाळासाहेब सुद्धा तुम्हाला कधी माफ करणार नाहीत. कारण तुम्ही ज्या बापाच्या नावाने मतं मागितली, माझा बाप चोरला म्हणून खोटी बोंब ठोकली, त्या बापाला सुद्धा तुम्ही निवडणुकीमध्ये हरवलंय. उद्धव ठाकरे उर्फ उस्मान चाटरे, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मोहतरमा चित्रा किशोर वाघ उर्फ सलमा कुरैशी उर्फ रेहाना खान, वैसे नाम में क्या रखा है, क्या फर्क पड़ता है? आप तो इलेक्शन हार चुके हैं. कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नौची. अब वही हाल है जब इतनी फिक्र थी अपने हार जीत की, तो आप सोच कर बोलते मुसलमानों को गालियां देना, भाषण देना, ये सब करके आप इलेक्शन हारे. क्योंकि लोग जो है इस देश के लोग, वो हिंदू हो या मुसलमान, जब वोट करेंगे तो मुद्दों पर वोट करेंगे, ये सोच लेते हैं आप. तो आज ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि शिवसेना को मुसलमानों ने जिताया. हाँ, वैसे ये बात मैं मानती हूँ और मुझे फक्र है इस बात पर कि इस बार मुसलमानों ने एक सेंसिबल वोटर होकर एक तरफा जो है वोट किया है संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, इस देश में भाईचारा को जो कायम रखने के लिए जिस तरीके से उन्होंने वोट किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है. लेकिन इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों पहुँच रही है जब देश एक होकर कहीं एक फैसले पर आता है? अगर वही मुस्लिम वोटर आपको वोट करे तो वो बुरा नहीं, लेकिन किसी और पार्टी को वोट करता है तो वो गद्दार हो जाता है. वैसे ये बता दूं, जिस जमीन पर बैठकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, उसी महाराष्ट्र को बनाने वाले शिवाजी महाराज के मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे. उनका दोस्त मुसलमान था, उनके सलाहकार मुसलमान थे, उनके अंगरक्षक मुसलमान थे, और इस देश की आज़ादी में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ दी है वो भी मुसलमान ही थे. तो मुसलमान देश का गद्दार नहीं, देश का वफादार है. कि बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए. मोहतरमा चित्र किशोर बात, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.